तुम्हारे विद्यालय का कोई बहाना नहीं चलेगा। इस प्रतियोगिता के अभ्यास में पूरा मन लगाना होगा। हमें बहुत ही मेहनत करके उस नक चढ़ी सविता बेन और उसकी बहू निशा को हार का मुंह दिखाना ही है। जिस तरह से इस प्रतियोगिता में मैंने और तुमने हिस्सा लिया है, और भी सास और बहुएं इसमें हिस्सा लेगी। इसमें अनेक प्रकार के खेल खेले जाएंगे ताकि इस बात का पता लग सके कि हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इसमें खाना बनाने के लिए भी कहा जाएगा, पर उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि खाना तुम बहुत ही स्वादिष्ट बना लेती हो। मुझे बस फिक्र है तो नृत्य की। ये हमारे लिए एक चुनौती भरा एक खेल होगा और इसीलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। समझी गया जी? इससे तुम सबसे पहले जो भी घर का काम है उसे निपटा लो। वैसे रसोई तो तैयारी है, बस तुम्हें खाना टेबल पर लगाना है, तो पहले वो देख लो। अब पता नहीं राशि रसोड़े में क्या कर रही होगी। और खाना खाने के बाद आधे घंटे में हम अपना अभ्यास शुरू कर देंगे जी। अब मोटा भाभी, आप और राशि भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है, तो आप अपना अभ्यास कब शुरू करने वाले हैं? क्यों कोकिला तूपन, तुम इस बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही हो? हमारी कॉलोनी की महिलाएं ऐसे कॉम्पिटिशन प्रतियोगिताएं मौज मजा के लिए करती ही रहती है। ठीक है ना, चले जाएंगे, हम हिस्सा भी ले लेंगे, लेकिन उसके लिए अभ्यास करने की क्या जरूरत है? ये आपकी सोच है, लेकिन आप मेरे स्वभाव को अच्छी तरह से जानती है। मैं हर चीज को गंभीरता से लेती हूँ, और अगर ये प्रतियोगिता में मैंने तय किया है कि मैं हिस्सा ले रही हूँ, तो इसकी तैयारी भी मैं पूरी ईमानदारी के साथ और जी जान से करूंगी। और जहां तक आपके अभ्यास की बात है, तो शायद आप ठीक ही कह रही हैं। आपको इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बहू राशि अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और लापरवाही की वजह से आपको नीचा दिखा कर ही रहेगी। तो स्कूल कैसे चल रहा है? कुछ नया सीखा? कोई नई बातें? गोपी, कोई और बात तो नहीं है ना? राशिबिन, एक बात कहूँ आपसे? वो आज कक्षा में पता नहीं किसने शरारत की और दोषी मुझे ठहराया गया। हाँ? इसलिए मास्टर जी ने कहा कि तुम कक्षा के बाहर जाके खड़ी हो जाओ, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा सोमवार को साप्ताहिक परीक्षा है। अच्छा, वीकली टेस्ट? हाँ, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है और प्रथम आना है। गोपी, इसका मतलब है कि ये सास बहु प्रतियोगिता है संडे को और तेरा टेस्ट है मंडे को। उसी बात की चिंता है, समझ में नहीं आ रहा है परीक्षा की तैयारी कैसे करूंगी। देखो, तेरे सामने इस बार एक नहीं दो दो चुनौतियां हैं, कुछ भी करके तुझे उसे पार करना है। पता नहीं तू ये सब कैसे कर पाएगी। वो सब छोड़, एक काम कर, ये सारा खाना तू बाहर मेज पे रख दे, तब तक मैं यहाँ की सारी साफ सफाई करके आ जाऊं। हाँ राशि दिकरा, बोल। हेलो मम्मी, सुनो। अरे इतना हंस क्यों रही है, बोलेगी भी? गोपी आज स्कूल में शरारत करती हुई पकड़ी गई है, और उसके मास्टर जी ने क्या कहा है पता है? उन्होंने कहा है कि सोमवार को जो उनके स्कूल में वीकली टेस्ट होने वाली है, उसमें गोपी को फर्स्ट आना है। अरे वाह, आ तो एकदम मस्त खबर छे। अब गोपी को एक नहीं दो दो कॉम्पिटिशंस के लिए तैयारियां करनी है। एक मिनट, ये तो कौन सी कॉम्पिटिशन? प्रतियोगिता? ये कौन से प्रतियोगिता की बात कर रही है? वो क्या है, हमारे कॉलोनी की लेडीज बेस्ट सास बहू की कॉम्पिटिशन करा रही है, तो उसमें मैंने और मेरी सास उमा ने भी हिस्सा लिया है। ये तूने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन आगे भी तो सुनो, उसमें कागड़ी और गवार गोपी ने भी हिस्सा लिया है। और कागड़ी को तो इस बात का यकीन है कि ये कॉम्पिटिशन सिर्फ वो और उसकी गवार गोपी ही जीतेगी।
गोपी तो इन दोनों कॉम्पिटिशन की तैयारी करते करते अधमरी हो जाएगी। गोपी तो पहले से ही घबराई हुई है। वो बस यही सोच रही है कागड़ी को खुश करने के चक्कर में अगर वो टेस्ट में गुल हो गई तो कागड़ी तो उसका स्कूल जाना ही बंद। अरे वाह, ये तो तूने एकदम बढ़िया खबर सुनाई। लगता है ठाकुर जी ने हमारी सुन ली। जैसे भी हो मैं इस कबार को उस कागड़ी की चोंच तक पहुंचाना ही होगा। फिर देखना उड़ना बुड़ना कैसे भूल जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन। गोपी बाऊ, खाना हो गया है, बस आधे घंटे में हम अपना अभ्यास शुरू करेंगे। जी, चलिए ना, हम भी हमारी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बेटा थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मम्मी जी, देखिए बहुत कम समय बचा है, हमें हमारी प्रैक्टिस जल्द से जल्द शुरू करनी ही चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हारा इतना दिल है तो करते हैं। ठीक है, तो तब तक मैं जाके अपने कमरे से सॉन्ग्स की सीडी ले आती हूँ। हाँ तुम ले आओ, तब तक मैं हिसाब किताब आधा छोड़कर आई थी वो पूरा करके आती हूँ। जी प्लान के हिसाब से मम्मी को मिस्ड कॉल देना पड़ेगा। गोपी वाओ, ये खाना जो बचा है उसे फ्रिज में रख देना। जी माँ जी। हेलो राशि बेटा, चल अच्छा हुआ तूने ही फोन उठाया। हमारे घर में सास बहू कंपटीशन की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई है। मुझे बेचारी गोपी के लिए बहुत दुख हो रहा है, उसकी बहुत फिक्र हो रही है। गेम क्या है? मंडे को गोपी की स्कूल में टेस्ट है और ये कंपटीशन संडे को होने जा रही है, तो बेचारी गोपी बहुत तनाव महसूस कर रही है। अब देखिए ना, अगर ये कंपटीशन की तैयारियों में लगी रही तो अपने एग्जाम की पढ़ाई कैसे करेगी, टेस्ट कैसे पास करेगी? तो बस वही सोच रही थी। क्या ये सारी बातें गोपी ने खुद से तुझसे कही? हाँ मम्मी, वो बेचारी और ये सारी बातें किससे करेगी? मैं एक ही तो हूँ जिससे वो सारी बातें कह सकती है। मम्मी चलिए अब मैं फोन रखती हूँ, मैं बहुत थक गई। अरे मुझे अभी याद आया, मुझे किचन में कुछ काम है, मैं वो खत्म करूंगी फिर जाऊंगी। अच्छा चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गोपी वाओ, अहीं आवो। जी माँ जी। गोपी वाओ, सोमवार को तुम्हारी विद्यालय में परीक्षा है। परीक्षा है? जी जी। तुम जब विद्यालय से आई तब मैंने तुमसे पूछा था क्या हुआ गोपी वो, तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि अपनी बहन राशि के सामने दुखड़ा लेकर बैठ गई कि रविवार को ये प्रतियोगिता है तो मुझे उसकी तैयारी में ध्यान लगाना होगा, जिसकी वजह से मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाऊंगी। सच कह रही हूं ना मैं? जवाब दो गोपी वाओ। मुझे ऐसे मत देख, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। राशि, झूठ बोल रही हो तुम। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा इस बारे में? तो तुम अभी फोन पर अपनी माँ से क्या कह रही थी? आपने हमारी बातें सुन ली? मतलब मैं तो बस मम्मी से बातें कर रही थी, और वैसे भी
अगर गोपी ने आपसे कुछ नहीं कहा तो भला मैं कैसे कह पाती। और काकी जी, आपने खुद ही कहा था ना कि मैं गोपी के किसी भी मामले में दखल ना दूं। हाँ राशि, मैंने तुमसे कहा है कि तुम कभी भी मेरी गोपी वह के मामले में दखल नहीं दोगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी गोपी वह के बारे में अनाप शनाप किसी भी ऐरे गहरे लोगों से बातें करती रहो और मैं चुपचाप सुनती रहूं, फिर वो भले तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। इस बारे में मैं फिलहाल कोई बहस नहीं करना चाहती हूं। गोपी वह, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस रविवार को होने वाली प्रतियोगिता का अभ्यास तुम्हें पूरा मन लगाकर करना है। और रही बात तुम्हारी परीक्षा की तैयारी की, तो वो तुम रात में करोगी, समझी गया? जी माँ जी। और सबसे जरूरी बात, नृत्य भी इस प्रतियोगिता का एक अहम हिस्सा है, इसलिए उसके अभ्यास पर भी बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए सबसे पहले जाओ और नृत्य के लिए गाना पसंद करो। गोपी तू जा, देख किचन की सारी साफ सफाई मैं खुद कर लूंगी। राशि जाओ। गोपी वाऊ,